नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए 10 मार्च को विधिवत ऐलान किया जा सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव का ऐलान कर सकता है। आयोग ने इससे पहले जिलों को चुनाव तैयारियों से संबंधित विधिवत कार्यक्रम तय करके भेज दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक बाढ़ प्रभावित प्रमंडलों में पंचायत चुनाव प्रथम से मध्य चरण के बीच संपन्न कराए जाएंगे। आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव योगेंद्र राम ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को 10 चरणों में प्रमंडलवार चुनाव संपन्न कराने की सूची भेज दी है। आयोग प्रत्येक चरण में प्रमंडल के एक जिले में चुनाव कराएगा। 9वें और 10वें चरण में एक से अधिक जिलों में चुनाव कराए जाने का कार्यक्रम तय किया गया है। आपको बता दें कि 2016 में पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना 25 फरवरी को जारी कर दी गई थी। इस बार पंचायत चुनाव ईवीएम से कराए जाने के कारण आयोग को नए सिरे से तैयारी करनी पड़ रही है और शायद यही कारण है कि चुनाव के कार्यक्रमों की घोषणा में देरी हो रही है। वहीं जानकारी अभी मिल रही है कि बिहार पंचायत चुनाव 2021 के नतीजे मतदान के अगले दिन या दूसरे दिन आ जाएंगे। बिहार में इस बार पंचायत चुनाव मल्टी पोस्ट ईवीएम से कराया जाएगा। चुनाव में 15,000 ईवीएम का चरणवार इस्तेमाल किया जाएगा। बिहार में फिलहाल चुनाव आयोग द्वारा 534 प्रखंड, 38 जिला और 8087 पंचायतों में चुनाव कराने की तैयारी की जा रही है। आइए नजर डालते हैं किस जिले में कौन से चरण में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। यहां हम आपको बता देना चाहेंगे कि हमने यह जानकारी देश के प्रतिष्ठित अखबार दैनिक जागरण से लिया है। आगे ऐसा भी हो सकता है कि इसमें कुछ बदलाव संभव हो। ऐसी जानकारी मिल रही है कि 10 मार्च को पंचायत चुनाव की आधिकारिक घोषणा हो सकती है। इसके बाद ही तस्वीरें स्पष्ट हो पाएंगी। प्रथम चरण में दरभंगा, कोसी और पूर्णिया प्रमंडल में चुनाव होगा। इसके तहत मधुबनी, सुपौल और अररिया जिले में आयोग चुनाव कराएगा। दूसरे चरण में दरभंगा, कोसी, पूर्णिया और तिरहुट प्रमंडल को लिया गया है। तीसरे चरण में दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, तिरहुट और मुंगेर प्रमंडल के समस्तीपुर, सहरसा, पूर्णिया, शिवहर और शेखपुरा जिले को लिया गया है। चौथे चरण में तिरहुट, पूर्णिया, मुंगेर प्रमंडल के पूर्वी चंपारण, कटिहार और बेगूसराय जिले में मतदान होगा। पांचवें चरण में तिरहुट, मुंगेर और सारण प्रमंडल के मुजफ्फरपुर, खगड़िया और सारण जिले में चुनाव आयोग कराएगा। छठे चरण में तिरहुट, सारण और पटना मगध प्रमंडल के पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, नालंदा और जहानाबाद जिले में चुनाव कराया जाएगा। वहीं सातवें चरण में तिरहुट, सारण, भागलपुर और मुंगेर प्रमंडल के वैशाली, सिवान, भागलपुर और लखीसराय जिले में चुनाव होगा। आठवें चरण में पटना, मुंगेर, मगध और भागलपुर प्रमंडल के पटना, मुंगेर, नवादा और बांका जिले में आयोग चुनाव कराएगा। नौवें चरण में मुंगेर, पटना, मगध के जमुई, भोजपुर, गया और बक्सर जिले में मतदान होगा। दसवें और अंतिम चरण में मगध और पटना प्रमंडल के औरंगाबाद, रोहतास, अरवल और कैमूर जिले में चुनाव कराए जाएंगे। बताते चले कि जिला परिषद सदस्य सहित मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य और पंचायत समिति सदस्य के लिए मतदान होना है। इन छह पदों के लिए 6 बैलेट यूनिट एक कंट्रोल यूनिट से जुड़ेंगे। वहीं किसी पद के लिए 15 से अधिक प्रत्याशी होने पर दूसरे बैलेट यूनिट की आवश्यकता होगी। मतगणना के बाद ईवीएम से एसडीएमएम निकालकर सुरक्षित रख लिया जाएगा। उसके बाद ईवीएम को दूसरे जिले के लिए भेज दिया जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।